आगामी मतलब 8 सितंबर से अमृत 84 कोस की परंपरागत जो पिछले 500 वर्ष से चली आ रही परंपरा है उसके ही तत्वावधान में इस वर्ष पंचम पीठ की ब्रज यात्रा 8 सितंबर से 18 अक्टूबर तक वैष्णव परंपरा अनुसार 41 दिन के लिए होने जा रही है। वो ब्रज 84 कोस में चलेगी, मतलब 252 किलोमीटर पूरे ब्रज क्षेत्र में। और ब्रज यात्रा का जो महत्व है वैसे तो सर्वविदित है, पूरे भूतल पे सबकी जानकारी है, लेकिन फिर भी जानकारी देते हुए कि 11 वर्ष और 52 दिन भगवान कृष्ण ने जिस स्थान पर जिस प्रकार की लीलाएं की, आप ब्रजमंडल में जहाँ विराजे, मथुरा से ब्रज यात्रा शुरू होगी 8 सितंबर को नियम लेगी और 18 अक्टूबर को वहीं आकर नियम का त्याग करेगी। ब्रज यात्रा मुष्टिमार्ग में इसलिए भी आवश्यक है कि यहाँ भगवान कृष्ण की जो भी लीला स्थली हैं उनके यथावत दर्शन आज के समय में हमें इस सांप्रत समय में हो रहे हैं। और अपन ये भी देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों विदेशियाँ आज वृंदावन जैसे क्षेत्र में अपना वास बना चुके हैं, इसलिए मतलब और मुझे तो ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विदेशी लोग भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और भारतीय जो जीव हैं, भारतीय जो वैष्णव हैं या भारतीय जो कृष्ण भक्त हैं वो विदेश की तरफ अपना स्वरूप ले जा रहे हैं। तो ये यात्रा इसलिए भी आवश्यक है कि मैंने 3 मुद्दे के अनुसार इस यात्रा को स्वरूप दिया है। प्रथम तो मुख्य वस्तु यही है कि ब्रज यात्रा का स्वरूप है वैष्णव संन्यास के रूप में 41 दिन अपने हरिगुरु वैष्णव की त्रिवेणी में यहाँ संग रहने वाला है। उसको ये अलौकिक मौका मिलेगा कि अपने गुरु के संग एक अमुक एरिया के दायरे में, जिसको हम लाइंडोरी कहते हैं, अपने गुरु के सानिध्य में ही, गुरु जैसे जिस पाल में रहेंगे उसी क्वालिटी के पाल में वैष्णव को ठाकुर जी के संग रहने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। दूसरा, ब्रज यात्रा में एक परम जो हम लोग ने इस वक्त एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, तो यमुना जी के प्रदूषण को लेके चल रहे हैं कि जिस इस समय यमुना जी में जो पुष्टिमार्ग में माँ के स्थान पर है, कृष्ण की तुरीय प्रिया चौथी पत्नी है और पुष्टिमार्गीय वैष्णव उनको अपनी माँ का ही दर्जा देते हैं, तो इस समय उसके प्रति भी जागरूकता लाने के लिए भी ये मुख्य यात्रा का ये मुख्य उद्देश्य है। और तीसरा मुख्य उद्देश्य ब्रज यात्रा में ये रखा गया है कि जो ब्रज के तीर्थ लोप होते जा रहे हैं खनन आदि के द्वारा, ब्रज वैष्णव के संग मिलके गौ हत्या से लेके इन सब बातों पे भी थोड़ा चिंतन गहन सब विचार किया जाए, जिससे कि भगवान कृष्ण की सारस्वत कल्प में जो भी लीला हुई थी वो आगे की पीढ़ी भी उसको इन प्रकार के दर्शनों को वो कर सके। क्योंकि तो जब ब्रज में ब्रज यात्रा आदमी करता है तो वो उन सब चमत्कारों से गुजरता है जिसको दुनिया आज के ज़माने में मिराकल को समझती नहीं है, भक्ति को समझती नहीं है, लेकिन जब वो ब्रज यात्रा करेगा तो वो सब वो चमत्कारों को, इन सब व्यवस्थाओं को ये दर्शन करेगा जो भगवान कृष्ण के समय में नंद बाबा यशोदा जी गोपीजनों ने जो लीलाएँ, जो भावनाएँ, जो इस प्रकार के मटके में या जिस प्रकार की व्यवस्थाओं में जो उनकी सेवा या ठाकुर जी के लीलाओं के आनंद लिए थे, उन सब स्थलों के या चीर घाट में वो यमुना जी के बीचों बीच वृक्ष के भी दर्शन करेगा, टेर कदम पे जहाँ वेणुनाथ प्रभु ने किया था वहाँ 90 डिग्री पे मुड़े हुए वृक्ष के भी करेगा, भांडीर वन में जाएगा तो वहाँ 8 प्रकार के 8 वृक्षों में से निकलती आवाज़ ध्वनियाँ विविध प्रकार के जो है उनके भी आनंद लेगा। तो यात्रा अपने आप में इतने स्वरूपवान है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी ब्रज यात्रा आचार्य के संग रह के और 41 दिन तक वैष्णव अपने जीवन को स्वरूप दे सकता है, सीख सकता है, समझ सकता है, एवं शाम को रासलीला के द्वारा वो जितने भी सुबह तीर्थ गया होगा उन सबके जो लीला भावना है वो शाम को रासलीला के द्वारा सबके सामने आएगी। इसलिए मैं बीकानेर की जनता को, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से हजारों की तादाद में ब्रज यात्री जुड़ने वाले हैं, चूँकि बीकानेर के प्रति मेरा विशेष लगाव है और मेरी कर्मभूमि के रूप में मैंने हमेशा इसको ये किया है, तो मैं रतन बिहारी जी से, दाऊजी मंदिर से, ये जो भी वैष्णव मंदिर हैं हमारे माथे, वहाँ से एक बीकानेर की वैष्णवों को विशेष आमंत्रण दे रहा हूँ कि ये बहुत सुनहरा अवसर और बहुत अलौकिक अवसर आ रहा है और शायद 1-2 वर्षों बाद तो ऐसा लगता भी है कि ब्रज यात्रा जो आज की लीली परिक्रमा या चल के परिक्रमा बंद हो जाने वाली है, क्योंकि ब्रज में भी तीर्थों पर अतिक्रमण हो रहे हैं। अतिक्रमण का मतलब है कि वहाँ के जो ब्रजवासियाँ हैं वो कॉलोनी आदि बना के तीर्थों के स्थल को यात्रा पड़ावों से मुक्त करते जा रहे हैं, तो यात्रा के पड़ाव होना, इसलिए मैं विशेष आग्रह से सबसे यही कहूँगा कि ये एक सुनहरा अवसर है बीकानेर की वैष्णव जनता को, यहाँ के अगल बगल के सब लोग आए, जुड़े और अपने गुरु के संग ये अलौकिक ब्रज यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त करें, ठाकुर जी के दर्शन। इस आयोजन के दरमियान कामा
अपने आप सबके को यहाँ के बीकानेर का तो गुरु घर माना जाता है, कामवन पंचम पीठ में श्रीनाथ जी के ध्वजा जी की भी पधरावणी होने जा रही है, 108 श्रीमद् भागवत सप्ताह का भी आयोजन है, और चंद्रमा जी श्री गोकुलेंदु प्रभु जो रतराज रतन बिहारी जी में संवत 1929 9 वर्ष यहाँ विराजे, उन वो आज कामवन विराज रहे हैं, मेरे माथे विराज रहे हैं, तो वो श्रीकुंड में श्री वल्लभाचार्य जी के संग उनका एक विशेष मनोरथ उत्सव है, तो उस समय भी वो 8 दिन 21 सितंबर से 28 सितंबर एक विशेष उत्सव होने जा रहा है, और वो ब्रज यात्रा दरमियान ही है, ब्रज यात्रा के समय में ही होने जा रहा है, उसमें भी अब भाग लेके इस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं सबको आमंत्रण देता हूँ इस आयोजन के लिए, इस ब्रज यात्रा के लिए, कि आप सब लोग जुड़ें, जिससे कि कृष्ण की लीला का जो सारस्वत कल्प में वो ब्रज भक्तों ने आनंद लिया, उस आनंद को आज हम वापस अनुभव कर सकें। यहाँ की जो पानी की समस्या, इससे भी मंदिर को शुरू होता नुकसान, तो इसको लेकर क्या कुछ, मतलब जितनी वक्त भी मैं आता हूँ बार बार प्रशासन को हमारी तरफ से ये सूचना एवं हम लोग हमारी तरफ से ये व्यवस्था की बात करते भी हैं कि इस भक्ति से भरी हुई परिसर को ये सब असामाजिक तत्वों के द्वारा किए गए कार्यों में तो भी थोड़ी कमियाँ तो आई हैं, ये समाचार बार बार मैं लेता रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर सरकार हमारा साथ देगी, देवस्थान हमारा साथ देगी, यहाँ के जो कलेक्टर साहब है वो हमारा अगर साथ देंगे, तो ये भक्ति का जो परिसर है आज विश्व वंदनीय है, आज बीकानेर का अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान माना जाता है, तो जैसे विदेशों में हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ को उसके ही स्वरूप से उसी के रूप में डेवलप किया जाता है, तो हम लोग सब हमने देखा है कि भारत में कोई भी काम होता है तो वो मात्र मॉनेटरी गेन के लिए किया जाता है, तो मैं सरकार से पुनः यही अनुरोध करूँगा कि हमारे जो रतन बिहारी जी की जो इसका स्वरूप है, जो इसकी सौंदर्यता है, उसके में 4 चांद लगाने के लिए ही कार्य किए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बगीचे आदि इसके सौंदर्यकरण पर सोचा जाए, न कि ये वाहन के स्टैंड आदि जिससे कि आदमी कहीं भी आके मतलब गंदगियाँ फैलावे या कहीं का भी आदमी, तो उसके लिए सरकार और भी स्थान को सोच सकती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः सरकार को एवं देवस्थान विभाग को ये कहूँगा कि भाई भक्ति का वातावरण उनके सहयोग से हम लोग तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका सहयोग ही सर्वोपरि, अगर वो हमें मदद रूप होते हैं तो हम इसमें और 4 चांद बना सकते हैं।